आपका सहयोग चाहिए, मीडिया तो बॉस है, हमारा सहयोग आपको पूरा रहेगा, लेकिन इसका मैक्सिमम मिसयूज फिल्म इंडस्ट्रीज में होता चला आ रहा है, उसके खिलाफ आप कैंपेन शुरू करेंगे? आप शुरू करो ना, फिल्म हमारा सहयोग आपको रहेगा। आप बोलो ना अमिताभ बच्चन को कि जया बच्चन के पैर छुए, यस, और पैर धोए, और तो नहीं हुए, बोल रहे ना, आप बोलो ना शाहरुख खान को कि वो गौरी के पैर धोए, कौन मना कर, यहाँ ऐसा हुआ, अन्नू कपूर तो सही संदेश देगा, आप उसको गलत करो वो आपके आपका आपका इच्छा। सर की वाणी से आपको ये फील हो जाता है सर की जो सत्य है वो कितना तेजी से बाहर आता है। सर आज बड़ौदा आप आए हो और एक बहुत बड़ी मुहिम के साथ शुरू कर रहे हो स्टार्ट से जी, क्या कहना चाहोगे बड़ौदा? बड़ौदा वासियों ने ही मुझे अवसर प्रदान किया था, मौका दिया था पहली बार अंताक्षरी को स्टेज पे करने का। 28 जनवरी 1994 को एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। उम्मीद है कि मेरे और मेरे जो कंटेस्टेंट है 6 टीमों के अंदर, उनको भी आपका पूरा प्रोत्साहन और जय जयकार मिले। इस तरह से अंताक्षरी का कार्यक्रम होने वाला है, 6 टीमें होंगी, हर टीम में 4 कंटेस्टेंट्स होंगे जो 12 और 13 दिसंबर को ऑडिशन से गुजरने के बाद, अपने आप को बेटर सिद्ध करने के बाद उनका चयन होगा, और 14 तारीख को ये 4 राउंड्स के साथ हम ये प्रतियोगिता खेलेंगे। 4 राउंड में 24 कंटेस्टेंट्स होंगे 6 टीम के। सर एक बेटी के मैच हुए हुए आपने क्या जो एमसीएम में सबसे ज्यादा, अब आप सोच शुरू करने वाले हो क्या, क्या मुहिम शुरू की है? मेरे मन में एक भाव आया कि हमारे हमारे जीवन में आने वाली 4 स्त्रियां, हमारी माता, हमारी बहन, पत्नी और बेटी, ये वो रिश्ते हैं जिनको हमको सम्मान करना चाहिए। हमारी घर की स्त्रियां हमारे लिए करती रहती हैं, माँ बाहर से लौट के आओ तो यही पूछती है कि तूने खाया कि नहीं खाया। बेटी हमेशा पिता की चिंता करती है, बेटी ज्यादा चिंता करती है अपने पिता की, पत्नी को भी ये चिंता रहती है। पत्नी को भी हमने कहा करवा चौथ रखो, वो आशीर्वाद देने जाती है तो अखंड सौभाग्यवती भाव, उसके पति का आशीर्वाद देते हैं कि पति लॉन्ग वो करे, उसको आशीर्वाद नहीं देते। हमें हमारा धर्म है कि हम स्त्री, संपूर्ण स्त्री जाति का सम्मान करें, इसलिए मैंने मन में भाव जागा है। मैं कोई बाबा नहीं हूं भाई, कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, कोई समाज सुधारक या नोबेल प्राइज विजेता नहीं हूं, मन में भाव आया है। मेरा भाव का साथ देने के लिए मेरे प्रोड्यूसर श्री देव कुमार जी साथ आ गए। ये एक संकेतात्मक एक सिंबॉलिक है कि आपके जीवन की 4 स्त्रियों के आप किसी एक विशेष दिन, जो 14 दिसंबर आपने डिसाइड किया, हर साल 14 दिसंबर को बिठाए उन्हें और केवल उनके पैर धो लें और पोंछ दें, बस और कुछ, नो रिलीजन, नो कास्ट एंड क्रीड एंड कल्चर, नथिंग, जस्ट अ प्योर इमोशंस ऑफ अ मेल टुवर्ड्स द फीमेल विमेन ऑफ दिस वर्ल्ड, नथिंग एल्स। बड़ौदा में आज जो प्रोग्राम होने जा रहे वाला है, आपने पहले बताया कि बड़ौदा के साथ आपका बहुत पुराना नाता है जी, क्या-क्या शुरुआत आपकी बड़ौदा के साथ हुई थी? हाँ, बड़ौदा मैंने आपको बोला 28 जनवरी 1994 को पहला अवसर मिला है यहीं पे स्टेज शो करने का, उसके बाद फरवरी में शो किया तो इस अंताक्षरी का, बीच में बड़ौदा में आपके लिए भी इसी साल के 6 जनवरी को, लास्ट ईयर नहीं सर, इसी 6 जनवरी, लेकिन वो दूसरा कॉन्सेप्ट था, सुहाना सफर किया था यहाँ पर सर। अंताक्षरी पब्लिक अंताक्षरी ये बड़े अरसे के बाद में कर रहा हूँ, अभी पब्लिक अंताक्षरी बहुत कम होती है, अदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हुनर हाट के शो में पब्लिक अंताक्षरी, लेकिन ये पब्लिक अंताक्षरी का स्वरूप सफल हो यही प्रार्थना। एक चीज और, रात शाम सपने में आए सर का बहुत बड़ा इतना पुराना एक रैप सॉन्ग है जो कि सदियों से चला आ रहा है, उस दिन सर ये सॉन्ग परफॉर्म करने जा रहे हैं 14 तारीख को, उस रात शाम सपने में वो पारंपरिक एक वो है कृष्ण का भजन है वो, और उसमें मैंने ऐड कर लिया कपिल शर्मा के शो में, बहुत 4 बार वायरल हो गया उसमें, मैंने तकरीबन 300 साल पुराना रैप ऐड कर दिया उसके अंदर, तो वो मौका मिला तो ये बड़ा ही बहुत भावभीन और बहुत बढ़िया सॉन्ग जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और अंताक्षरी एक ऐसा शब्द है जो बहुत लोगों को हमारे भारतीय संस्कृति में भी बहुत पहले से खेलते आए हैं,
बस एक डायलॉग मुझे याद है, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। जब प्रभु का नाम लेके अंताक्षरी शुरू होती है तो उसी प्रभु के तरह हम भी उनको फॉलो करते हुए एक नई प्रथा शुरू कर रहे हैं वडोदरा में। आज ये अनु कपूर जी ने अनाउंस किया है, लेकिन स्टूडियो रिफ्यूल ने ये इनिशिएटिव लिया है कि ये एक परंपरा होनी चाहिए। कोई भी एक दिन आप डिसाइड कीजिए, उसमें आप अपनी जो बेटर हाफ होती हैं या आपके घर पे जो फीमेल एनर्जी हैं उन सब के आप चरण धोएंगे और उनको नमन करेंगे। तो ये जो फीलिंग आज जो मैंने महसूस की, बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, बहुत आउट ऑफ दिस वर्ल्ड थी। ऐसा लगता था कि जैसे सच में, जैसे अगर आपने देखा होगा मुझे पहले कई अवतारों में, कि माता जी तो वैसी ही बनती हूँ, तो ये बार सच में ये वो फीलिंग थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव है। एक फीलिंग, एक जेस्चर, एक अप्रिसिएशन टूवर्ड्स योर फीमेल एनर्जी, बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट स्टूडियो रिफ्यूल एंड अनु जी फॉर क्रिएटिंग दिस न्यू वेव ऑफ न्यू एनर्जी, और बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। स्टूडियो रिफ्यूल ने 14 दिसंबर को अंताक्षरी का प्रोग्राम इनिशिएट किया हुआ है, और उसमें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें अनु जी ने अनु कपूर सर ने एक परंपरा स्टार्ट की है और इनिशिएटिव लिया है स्टूडियो रिफ्यूल ने कि आप अपनी घर की लक्ष्मी जो होती है, अपनी माता है, आपकी पत्नी है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, उनके पैर धोने। तो ये आज मेरे भी पैर धोए हैं मेरे हस्बैंड ने, तो बहुत अच्छी फीलिंग है और बहुत ही अच्छा लगा। एक रिस्पेक्ट, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिली, ऐसा फील होता है। और ये हर औरत ये डिजर्व करती है कि उनके मतलब रिस्पेक्ट दे के उनके पैर धोए जाए। तो ये बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और बहुत अच्छी परंपरा अनु सर ने स्टार्ट की है, तो बहुत अच्छा लगा। और आप सब लोग यहाँ पे आए उसका भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी। मैम क्या कहना चाहोगे, आज अंताक्षरी का एक शुभारंभ किया जा रहा है, और आज एक बहुत बड़ी परंपरा भी शुरू की गई है, वजह से हुई है, तो आपके भी पैर उन्होंने धोए हैं, तो क्या कहना चाहोगे? मुझे बहुत ही ग्रेटफुल फील हो रहा है, बहुत ही अलग फीलिंग है, क्योंकि उन्होंने मुझे इसके लिए चुना। बट मुझे लगता है कि उनका जो मोटिव है, ये एक मुहिम शुरू की है उन्होंने कि हर एक जो आदमी है मेल, अपने घर में जो भी इम्पोर्टेंट फीमेल होती हैं, उनकी मदर, सिस्टर, वाइफ और डॉटर, तो उनको एक दिन साल में उनके पैर धोएं और उनको रिस्पेक्ट दें, उनके तरफ ग्रैटिट्यूड दिखाएं। तो ये इसके पीछे उनका जो एक मोटिव है, जो मैसेज देना चाहते हैं, बहुत डीप है। अगर वो मेल मेंबर्स समझ जाएं कि घर में जो औरतें हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, तो बाहर औरतों की लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, अगर घर से ही वो रिस्पेक्ट मिल जाए। और उन्होंने ये शुरू करने के लिए मुझे चुना और मुझसे शुरुआत की, मुझे उस चीज़ के लिए बहुत खुशी है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और उनके लिए और रिस्पेक्ट बढ़ गई, उन्होंने जो ये किया, ये जो सोच है बहुत अच्छी सोच है। आपके गाती हुई सिंगिंग भी करते हो क्या? नहीं, मैं नहीं गाती। क्या हिस्सा बनना चाहोगे? वैसे तो मैं गाती नहीं हूँ, बट डेफिनेटली मैं हिस्सा बनना चाहूँगी। और हाँ, जो थॉट है बहुत अच्छा थॉट है, अगेन मैं बहुत थैंकफुल हूँ, और शायद ये एक अच्छा मैसेज वो पहुँचाना चाह रहे हैं, अगर वो लोग समझ लें तो बहुत कुछ बदल सकता है। One more. Once again.